नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास एक MI का स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन है दोस्तों, ठीक है। और ये ब्लूटूथ काफ़ी बढ़िया होता है दोस्तों, ठीक है। चिप एंड बेस्ट में काफ़ी बढ़िया होता है ब्लूटूथ दोस्तों। इसका बैटरी MAH जो है 120 है दोस्तों। और ये बैकअप के मामले में तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि 120 MAH का बैटरी है, वो भी MI का है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज ये जो ईयरफोन है दोस्तों, ब्लूटूथ है MI का, इसको दोस्तों इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और रिपेयर में A to Z जानेंगे दोस्तों कि इसमें क्या बीमारी आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, और खुद स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये गारंटी है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए आप सभी ब्लूटूथ को लगभग ठीक कर सकते हैं। लगभग सब, लगभग क्या, सभी ब्लूटूथ को जो है, क्योंकि सबका प्रोसेस एक ही होता है दोस्तों, ठीक है, ठीक करने का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों है क्या, जानेंगे कि इसमें क्या क्या बीमारी आता है दोस्तों, ठीक है। तो कस्टमर जो लेके आता है या आपके पास ही रहे दोस्तों, तो क्या क्या बीमारी इसमें आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात है कि इसमें जो है अधिकतर 100% दोस्तों, ठीक है, आपका इसमें जो है वायर का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, ठीक है। मतलब जो है होता क्या है कि एक एक स्पीकर नहीं बजता है, ठीक है, यानी तो आपको खुद से दिखाई पड़ जाएगा कि हाँ ये वायर टूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको वायर को कैसे लगाएंगे, इसमें इसके अंदर डब्बा में क्या है दोस्तों, ठीक है, ये जो बड़ा सा दिया हुआ है इसके अंदर भी क्या है दोस्तों, ये सारा चीज़ जानेंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो में बने रहे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों कि इसको जो है इसको खोलने का क्या तरीका है, तो आप सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है, बस कोई ब्लेड या पतला सा कोई चीज़ से जो है दोस्तों इसको खुद से आराम से खोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए होता क्या है, ये जो इसमें क्या होता है पता है दोस्तों, इसमें बैटरी होता है, दोनों में जो है बैटरी होता है, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है चार तार होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस ईयरफोन में या कोई भी ईयरफोन में कुछ बेसिक बात ये जान लीजिए दोस्तों, ठीक है, खास करके ये ईयरफोन ब्लूटूथ ईयरफोन में, ठीक है दोस्तों। किसी का कहना होता है कि जो है बैटरी का बैकअप कम, मतलब कम देता है, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे ये इसमें दोनों एगो इसमें बैटरी रहता है, एक इसमें बैटरी रहता है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों में से होता क्या है कि एक भी बैटरी का अगर यहाँ से तार छूट जाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, दो को स्पीकर का है और दो को प्लस माइनस बैटरी का होता है, ठीक है दोस्तों। तो बैटरी अगर कम बैकअप देता है दोस्तों, तो उसमें दोनों में से किसी का किसी एक बैटरी में जो है का तार छूट जाता है या बैटरी ख़राब हो जाता है, ठीक। तो अधिकतर दोस्तों मतलब तार ही छूटता है दोस्तों, ठीक है, तार जो है अंदर से ख़राब हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये सब भी थोड़ा बहुत जो है हल्का किया हुआ लगता है कि यहाँ से तार जो अंदर से लीकेज होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसमें जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा बैटरी ख़राब है, नहीं है, ठीक है दोस्तों। खोल के देख लेना है, बैटरी ख़राब होता नहीं है, बस तार वगैरह टूटा हुआ रहता है दोस्तों, और कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और अधिकतर इसमें बीमारी आता है कि आवाज़ नहीं आता है, ठीक है, तो तार टूटा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये जो तार टूटा हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो ये तार कैसे लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप जो काट के लगाएंगे दोस्तों, ये तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, कस्टमर भी बोलेगा और खुद अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए जो है हम दोस्तों तार दोस्तों ईयरफोन तो जानते ही हैं दोस्तों, ईयरफोन का हम तार जो है दोस्तों काटेंगे, ठीक है, ईयरफोन का तार जो है लगाएंगे, क्योंकि इसमें तार चार वायर होता है दोस्तों, क्योंकि दो को जो है मतलब लेफ्ट राइट स्पीकर का हो गया दोस्तों, है ना, और दो को बैटरी बैकअप जो बैटरी का जो है प्लस माइनस होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी चार तार होता है दोस्तों, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना बड़ा है तो आराम से दोनों में जो है तार लग जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है हम खोल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इसको दोस्तों ओपन करेंगे, ठीक है दोस्तों, आराम से पुश किए निकल गया दोस्तों, ठीक। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ सावधानी होता क्या है, ठीक है, कि आप जो है दोस्तों तार जो जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें तार जो है दोस्तों काफ़ी मोटा मोटा होता है, ठीक है, और स्पेस भी काफ़ी कम होता है दोस्तों जोड़ने का, ठीक है। तो आप जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा से जोड़ना पड़ेगा, तार को पूरा लपेट के दोस्तों, ठीक है, अच्छा से नहीं जोड़ेंगे, एक दूसरे में हल्का भी टच करेगा दोस्तों, तो ब्लूटूथ ऑन नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी मेरे पास मतलब चैनल में मेरा वीडियो है दोस्तों, वो खुद से मतलब कई बार उसको ठीक किए हुए हैं तो जानते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे साथ ऐसा कंडीशन आया हुआ है दोस्तों, इसीलिए हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप तार जोड़ दिए पता चल रहा है कि आप बज नहीं रहा है, ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या बीमारी था क्या आ गया, ऐसा नहीं दोस्तों। थोड़ा अच्छा सेफ्टी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए आपका तार तो ये खराब है दोस्तों, ठीक है। तार कैसे जोड़ेंगे दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि तार जोड़ने में भी कुछ इसमें जो है नियम है दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप जोड़ेंगे दोस्तों तो फिर मेरे ख्याल से दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है दोस्तों। और कोशिश करते हैं कि दोनों तार चेंज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो ये तार ठीक ही लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए तत्काल हम पहले ये तार को चेंज करते हैं दोस्तों। तो कैसे चेंज करेंगे ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये साफ कर लिया मैंने, क्लीन कर लिया, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये प्लस माइनस बैटरी का है दोस्तों, और इसमें ऑडियो है लेफ्ट राइट, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं ये ऑडियो है और इसमें प्लस माइनस है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास ईयरफोन जो है दोस्तों, ईयरफोन को जो है ये ईयरफोन है, ईयरफोन का तार भी पतला भी है दोस्तों और अच्छा भी है, चार तार भी है दोस्तों, ठीक है। इसको जो है दोस्तों देखिए दोस्तों ये चार तार निकल गया दोस्तों, तो इसका हम साइज नाप लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा बड़ा ही रखते हैं दोस्तों इतना, ठीक है, इतना से काट लेते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा छील लेते हैं, तो दोस्तों ये तो ऐसे सोल्डिंग होगा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आपको माचिस से जलाना पड़ेगा दोस्तों इसका रैपर को, ठीक है दोस्तों। या नहीं तो सोल्डिंग आयरन से ज़्यादा देर तक हल्का हार्ड कीजिएगा दोस्तों, तो खुद से वो जो है रैपर हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सोल्डिंग कीजिएगा तो अच्छा से पकड़ लेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने तार को जो है सोल्डिंग कर लिया दोस्तों अच्छा से, ठीक है। अब दोस्तों जो है ये तो तार से काट लेते हैं दोस्तों, इसको क्योंकि दूसरा तार लगाना है दोस्तों, ठीक, ये हटा दिया मैंने। और इसको भी आराम से आपको खोलना है, कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता है खोलने में दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें ये जो है दोस्तों पैनल है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों ये ऊपर वाला जो है दोस्तों, ये बता रहा हूँ मैं, देखिए ये देखिए दोस्तों ये ऊपर वाला जो है दोस्तों ये बैटरी का है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है दोस्तों ये स्पीकर का है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सोल्डिंग को हम हटा देते हैं दोस्तों और खुद से अपना जो है वो वायर का सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों इसको सोल्डिंग हटा दिया है मैंने, ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों देखिए इसका सोल्डिंग दोस्तों देखिए रेड और गोल्डन जो है दोस्तों इसका प्लस माइनस बना देते हैं, कोई भी तार रख सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से, ठीक है। तो रेड गोल्डन ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। तो रेड में जो है दोस्तों इसका प्लस जो होता है बैटरी का दोस्तों, इसका प्लस में रेड डाल देते हैं, और ये गोल्डन जो दोस्तों ये माइनस होता है माइनस में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों ये मैंने डाल दिया है, ठीक। उसके बाद इसका जो है ग्रीन और ब्लू, ठीक है दोस्तों, ये आपको स्पीकर का तार है दोस्तों, ये इसमें डाल देते हैं। काफ़ी आसान है दोस्तों, बहुत कोई होता क्या कि मतलब तार खराब होता है तो तार कहाँ से लाएं चार गो और इतना पतला, ठीक है दोस्तों। तो कोई कोई मोटा मोटा तार भी लगा देते हैं,
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपका ये तार से अच्छा से काम करेगा और ये काफ़ी मजबूत भी तार है दोस्तों, मैंने देख लिया है, ठीक है, कंपनी का तार है दोस्तों, तो ये मजबूत तो रहेगा ही, ठीक है दोस्तों। ये कर लिया मैंने, अब इसको दोस्तों ये नीचे था, नीचे करके ये दोस्तों ये हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है ये आपको दोस्तों ये आराम से फिक्स कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फिक्स हो गया दोस्तों, देखिए हो गया अच्छा से, तार भी टाइट है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें से तो पता है आपको, ठीक है, कि प्लस माइनस कौन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी है दोस्तों, इसका प्लस माइनस तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस आपका ये है दोस्तों, ठीक है। जब आप खोलेंगे तार तो आप देख भी लेंगे, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं दोस्तों, मगर आप लोग को नया नया है तो दिक्कत हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ये वाला माइनस हो गया दोस्तों, ठीक है। बॉडी जो है दोस्तों इसका माइनस होता है, ये माइनस हो गया दोस्तों। और ये जो आपका हो गया, तो दोस्तों ये जोड़ दिया, अब स्पीकर तार जोड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब स्पीकर तार जोड़ना है दोस्तों, तो थोड़ा अच्छा जोड़ना है दोस्तों, ठीक है, ताकि एक दूसरे में टच ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चिमटा की सहायता से ही जोड़िए दोस्तों, ताकि जोड़ने में भी आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों मैंने जोड़ दिया है, ठीक है, और अच्छा से देख लीजिए कहीं आपका जो है सही से जुटा है क्या नहीं जुटा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों, और ये तो ठीक ही लग रहा है दोस्तों, ठीक है। हाथ जोड़ने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा दोस्तों, कि तार एक दूसरे में सटे नहीं। ये सब तो तार तो दोस्तों ठीक है, ये सब का तार का जो दोस्तों ये काफ़ी मोटा होता है, तो उखाड़ के अगर जोड़ेंगे फिर से सोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी से सोल्ड करें, ठीक है, ताकि सटे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे और कुछ ये सब में होता नहीं है दोस्तों, अगर आवाज़ फट रहा है तो दोस्तों खुद से यहाँ से स्पीकर को जो है दोस्तों ये खोल के दोस्तों स्पीकर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे ये जोड़े दोस्तों ऐसे इसमें भी जोड़ना है दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है दोस्तों। और जो है दोस्तों हम जो ऐसे तार आपको दिखा दिए हैं जोड़ के दोस्तों, मगर आप जो जोड़ेंगे दोस्तों तो इसके छेद के अंदर दोस्तों तार घुसा के तब जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हम तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे जोड़ा हूँ मैंने, ठीक है दोस्तों। तो और अगर ब्लूटूथ में ऐसा कोई भी तरह का दिक्कत आता है ऐसा कोई दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करें, जहाँ तक होगा दोस्तों ज़रूर मैं अच्छा से बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।